नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है वैदिक एस्ट्रो के इस चैनल में। आज मैं बात करूंगा कुछ नए तरह की टेक्निक्स के बारे में, और एस्ट्रोलॉजी की टेक्निक है लेकिन ये जो है काफ़ी प्रभावित है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस टेक्निक के लिए पहली बात, जो आज का टॉपिक है उसमें मेरे पास एक दिन कॉल आया और उस कॉल पे पूछा गया कि किसी का मर्डर हुआ है और जो बॉडी है वो नहीं पता कहाँ है, तो क्या हम बता सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में है और वो मर्डर हुआ है तो किसने किया है। तो दोस्तों, ये चीज़ें क्या हम एस्ट्रोलॉजी से निकाल सकते हैं, तो इसी वीडियो में ये देखेंगे कि कैसे निकालना है और कैसे एनालिसिस करना है। लेकिन इस बार हम जो टेक्निक यूज़ करेंगे वो दूसरी बार एक टेक्निक यूज़ करेंगे, जैसे कहते हैं कि घड़ी देख के प्रिडिक्शन करना। देखिए, इसमें क्या है कि आप रास्ते में चल रहे हैं और अगर आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आपको क्या करना है, आप सिर्फ घड़ी देखना है और उस टाइम के जो गोचर के हैं वो उसको डिसाइड करना है। आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, बस आपको इतना पता होना चाहिए कि आज का क्या ट्रांजिट है, बस फिर घड़ी से लगन बनेगा। ठीक है, वो एक टेक्निक अलग है और काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक्निक है, और ये 100 नहीं 1000% ये प्रॉपरली काम करता है। उसका एक ये एग्जाम्पल है मेरे पास। तो मेरे पास किसी ने सवाल किया, फोन आया, मैंने घड़ी में टाइम देखा और मुझे याद था कि कौन कौन सा क्या उस दिन का ट्रांजिट चल रहा था, तो वो ट्रांजिट के मैंने चार्ट अपने दिमाग में बना लिया। वो देख के ही मैंने उनको एनालिसिस में बताया। पहली बात, आप देखें, मर्डर की बात हो रही थी। ठीक है, मर्डर जो है वो कारक जो है वो मंगल का है, और यहाँ पे आप देखें जो लगन में लगन जो है मंगल की बनी है। अगर लग्नेश की पता करना है तो आप देखेंगे लग्नेश कौन से हाउस में है, लग्नेश छठे घर में है। तो छठा घर जो है, हम अगर डायरेक्शन लेते हैं वो नॉर्थ होता है, तो हम बताएंगे नॉर्थ में कहीं पे है। ठीक है, जो जातक है वो नॉर्थ में कहीं पे है। और मटर की बात हो रही है, मैंने पहले भी बताया कि मंगल जो है वो मटर का कारक है। ठीक है, कोई मिस हैपनिंग एक्सीडेंट का कारक मंगल है, तो यहाँ पे ये जो ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि मर्डर हुआ है। लेकिन लगन में आप देखें चंद्रमा और जुपिटर है। ठीक है, और यहाँ पे आप देखें जुपिटर लगन में काफी पवित्र माना गया है, लेकिन जुपिटर को स्पॉइल करने के लिए हमें ध्यान देखना है कि जुपिटर को स्पॉइल करने वाला प्लैनेट जो है वो राहु है। अगर हम नौवें घर की बात करें, नौवा घर जुपिटर का कारक ग्रह है, कारक हाउस है, और उसमें अगर राहु बैठ जाता है वो जुपिटर को खराब कर देता है। तो यहाँ पे आप देखें राहु जो है नौवे में होने के कारण जुपिटर जो होगा वो अपने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, बुरे रिजल्ट देगा। अब जुपिटर क्या होता है, जुपिटर आप ध्यान दें, जुपिटर बहुत सारी चीज़ों का सिग्निफिकेटर है। यहाँ पे मैंने उनको बताया कि जुपिटर जो है ड्राइवर है। ठीक है, वो लॉजिक मैं किसी और दिन समझाऊंगा कि ड्राइवर क्यों है। जनरली कोई भी चीज़ जो हमें गाइड करती है वो जुपिटर है, तो यहाँ पे ड्राइवर जो है वो जुपिटर है। और चंद्रमा के कारण किसी में कोई फीमेल भी इसमें इन्वॉल्व होगी। ठीक है, और ये जो जातक है वो कहाँ है, डेड बॉडी कहाँ पे है, मर्डर हुआ है तो उससे कहाँ पे है, तो ये आप देख सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन है। और भी डिटेल में हम इसको बता सकते हैं कि नॉर्थ में कौन सी राशि है उससे हम बता सकते हैं। तो इसमें हमने ये देखा कि अगर मैं ड्राइवर की बात करता हूँ तो ड्राइवर जुपिटर है और वो जुपिटर लगन में है, तो वो जब जुपिटर लगन में बैठेगा तो लगन को स्पॉइल करेगा, लगन को हानि करेगा, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर जो है वो पॉजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि राहु ने नौवें घर में बैठ के जुपिटर को नेगेटिव बना दिया है, और लगन में अगर राहु नौवे में है और जुपिटर लगन में है तो जुपिटर कभी भी अच्छे फल नहीं देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि चंद्रमा और जुपिटर का कम्बिनेशन है ये तो बहुत बढ़िया है, लेकिन असलियत में ये रिजल्ट नहीं दे रहा होगा। किसी के चार्ट में अगर ऐसा होगा तो जुपिटर अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। अगर लगन मान सम्मान का कारक है उस जातक को मान सम्मान की हानि होगी। ठीक है, जुपिटर लगन को प्रॉब्लम करेगा, लगन अगर आयु है तो जुपिटर उसमें कमी करेगा, तो यहाँ पे कमी करने वाला ग्रह जो है वो जुपिटर है। तो इससे हम क्लियरली बोल सकते हैं जो इस जातक का जो मर्डर किया है वो जुपिटर और चंद्रमा के
एक मिले जुले होगा और जुपिटर जो है यहाँ पे ड्राइवर है। तो उन्होंने यही बताया था कि हमें भी यही सस्पेक्ट हो रहा है कि ड्राइवर ने किया है, और ड्राइवर गुमशुदा है अभी, मतलब गायब हो रखा है, पता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो डायरेक्शन है हम बताएंगे कि आप नॉर्थ डायरेक्शन में जाके चेक करें कि छठा घर नॉर्थ डायरेक्शन लेता है, तो नॉर्थ डायरेक्शन में जाके चेक करें कि वहीं पे राशि के हिसाब से हम एनवायरनमेंट बताएंगे। राशि मैंने आपको बताया कि राशि जो है एनवायरनमेंट को बताता है, उससे हम ये इस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं। और भी ग्रह हैं, जैसे सेकंड हाउस में सैटर्न है, वीनस यहाँ पे कनेक्टेड है, सेवंथ हाउस ऑफ लॉर्ड वीनस है, ठीक है, सेवंथ हाउस ऑफ लॉर्ड वीनस है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं और भी सारी चीज़ें पूरे कॉम्बिनेशन में, हम जितने डिक करेंगे उतने ही चीज़ों को हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों इसमें से कुछ हमें नया सीखने को मिला, और इसमें हमने सिर्फ यही देखने की कोशिश करी कि जो जातक पूछ रहा है क्या वो ऐसा हुआ, उन्होंने पूछा कि भाई मर्डर केस है, क्या मर्डर हुआ है, तो हमें ये दिख रहा है कि हाँ मर्डर हुआ है। उन्होंने पूछा कि कौन कर सकता है, और हमारी जो ये मतलब डेड बॉडी है वो कहाँ है, कौन से डायरेक्शन में कहाँ मिल सकती है, तो वो चीज़ें हमने इसमें से निकाल के दी हैं। और इसमें हमने घड़ी वाली टेक्निक यूज़ करी है, इस पर सिर्फ आपको आज का ट्रांजिट याद रखना है, फिर आप घड़ी देख के, आपको कोई सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, आप घड़ी देख के प्रॉपर प्रिडिक्शन करेंगे और एग्जैक्टली चीज़ें क्लियर होंगी। एक और मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि कल की बात है, किसी ने पूछा कि एक जने का तबीयत थोड़ी प्रॉब्लमेटिक चल रही है, तो मैंने टाइम देखा, टाइम देख के मैंने बताया कि मैंने कहा क्या एज है उनकी, तो उन्होंने बोला कि उनकी 75 एज है। तो मैंने चेक करने के लिए उनसे ये पूछा कि क्या उनकी जो दो बेटियां हैं, मैंने उनसे ये पूछा क्या उनकी जो दो बेटियां हैं उनकी शादी हो गई है, तो उन्होंने कहा उनकी दो ही बेटी है, उनकी शादी हो गई है, क्योंकि मैं उनको नहीं जानता हूँ। लेकिन मैंने जो ये चीज़ बोली वो चीज़ मैंने घड़ी देख के बताया, घड़ी देख के मैंने उस टाइम का मेरे को गोचर याद है, उस टाइम का मैंने लगन घड़ी से बनाया और उससे मैंने उनको बताया कि ये चीज़। मैं चीज़ें चेक करता रहता हूँ एस्ट्रोलॉजी में, जब तक आप चीज़ें चेक नहीं करोगे, अपने आप को एनालिसिस नहीं करोगे प्रॉपर, और ये रैंडम करना है, प्लानिंग के साथ नहीं करना है, ठीक है। मैं अगर प्लानिंग करके बैठूँ आज मैं ये चीज़ें चेक करनी है, वैसे नहीं, अचानक से जो चीज़ें बन जाती है, अचानक से कोई सवाल पूछता है, उसमें चीज़ें आप चेक करें, उसमें चीज़ें आप एनालिसिस करें, और वो 100% तरीके से वो एकदम एक्यूरेट आएगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज हमने कुछ नया सीखा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ और चीज़ के बारे में वीडियो बनाना है तो कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।